हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत सिंपल और इजी है, 5 मिनट में आप बना सकते हो। बहुत ही अच्छा स्नैक्स रेसिपी है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पोटैटो को बॉईल करके मैश किया हुआ है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 3 पोटैटो लिया हुआ है। पोटैटो को अच्छे से मैंने मैश किया हुआ है। इसमें मैं ऐड करूँगी करी लीव्स। के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने धनिया का पत्ता ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे जो पोहा आता है, हम लोग जो पोहा बनाते हैं, उस पोहा को मैंने अच्छे से पीस के लिया हुआ है, उसका पाउडर बना दिया है। इससे अपना जो हम लोग जो बनाएंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो इसका पाउडर मैं ऐड कर दूँगी। 3 से 4 चम्मच तक मैंने इसका पाउडर ऐड कर दिया है, पोहा का जो है उसका पाउडर ऐड कर दिया है। इससे हम लोग जो कटलेट बनाएंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। इसके बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दूँगी। सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी रेड चिली पाउडर। यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। आप ग्रीन चिली भी छोटे पीसेस में कट करके ऐड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर रेड चिली ऐड कर दिया है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ग्रीन चिली नहीं ऐड किया है। तो यहाँ पे इसके बाद रेड चिली के बाद मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इसका एक अलग सा टेस्ट आता है, अलग सा ही स्मेल आता है ब्लैक पेपर का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इन सारे को अच्छे से मिक्स करना है, हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। मैं यहाँ पे पानी नहीं ऐड किया है, ये पोटैटो जो है उसकी वजह से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मिक्स करके एक शेप दे दूँगी। आप कोई भी इसमें शेप दे सकते हो, या फिर अगर आपसे शेप नहीं बन रहा है तो एक ऐसे ही राउंड शेप बॉल जैसे बना सकते हो। और आप इसमें बीच में अगर चीज़ भी फिल करके बॉल बनाओगे तब भी आपका ये जो कटलेट है बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने सारा पोटैटोस को शेप दे दिया है बहुत ही अच्छे से। इसको मैं यहाँ पे शैलो फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने ऑयल गरम कर दिया था। ऑयल गरम होने के बाद इसे मैंने ऐड कर दिया है। फिर इसे दोनों तरफ से अच्छे से पलट के फ्राई करके लेना है। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई होना चाहिए, हल्का गोल्डन कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्राई करके लिया हुआ है, दोनों भी साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे मैं अभी सर्व कर लूँगी। जब आपके चाय के साथ में कुछ खाने का मन करेगा, अभी बारिश का भी सीज़न है, तो उस टाइम पे ये झटपट बना के रेडी करेगा, सबको बहुत ही पसंद आएगा। प्लीज़ इसे बनाना ज़रूर ट्राई करेगा। आप एक बार इसे बना के ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। गरम गरम खाने में सॉस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। प्लीज़ इसे बनाना ट्राई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।